शहर के तिलक नगर क्षेत्र में आवासन मंडल की कॉलोनी में पार्क की खाली पड़ी जमीन पर चार दीवारी नहीं होने से मैदान में गाजर घास उगाई है और एलर्जी होने से वहां रहने वाले लोगों को जुकाम व खुजली जैसी बीमारियां होने लगी है। पार्क और सामुदायिक भवन के लिए खाली पड़े भूखंडों पर लोगों ने अपने तरीके से खेती बाड़ी शुरू कर दी है। उनका कहना है कि जमीन खाली पड़ी है, कुछ तो उपयोग आए। क्षेत्र में रहने वाले राकेश जागेटिया ने बताया कि वे पिछले 10 वर्षों से स्थानीय निवासी हैं। पार्क की जमीन पर खरपतवार उगाने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बच्चों के लिए आसपास कोई खेलने का मैदान नहीं होने से बच्चे भी घरों में कैद रहने को मजबूर हैं। आगे की ओर जंगल होने की वजह से शाम के समय बाहर निकलना भी मुश्किल है। विजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि खाली भूखंड के क्षेत्र में लोग कचरा इत्यादि डाल देते हैं, जिससे मच्छर पनपने लगे हैं। उन्होंने बताया कि कॉलोनी में रोड लाइटें बंद रहती है, जिससे बाहर निकलने में डर बना रहता है। कई बार तो पार्क में झाड़ियां व गाजर घास होने की वजह से सांप जैसे जहरीले जीव मकानों में घुस आए और बमुश्किल से सांप व अन्य जीव जंतुओं को बाहर निकाला। इससे क्षेत्रवासियों में भय व्याप्त है। क्षेत्रवासियों ने नगर परिषद व न्यास में लिखित में शिकायत दर्ज कराई, परंतु कोई ठोस कार्यवाही नहीं हो पाई। हुआ है, इधर ग्रांट भी मिला हुआ है, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। गाजर घास जो आप देख रहे हो सामने है, वो इतनी बड़ी बड़ी है, तो बच्चे इसमें कहाँ खेलेंगे। आप इसका कुछ सरकारी कामकाज वाला अच्छा कुछ कराए तो वड़ील लोग है जो आके टहल सकते हैं, बैठ सकते हैं, सुबह सुबह कसरत जॉगिंग वॉगिंग सब हो सकता है। इसके बारे में यहाँ के तंत्र को कुछ देखना चाहिए, करना चाहिए, इसके लिए सोचना चाहिए। ये उनकी प्रायोरिटी बननी चाहिए इधर कि कुछ बनावे। और अभी माहौल है इलेक्शन का है, तो कुछ इधर अच्छी तरह से कुछ बनावे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इधर के आजू बाजू वाले ये जो 5-10 सोसाइटी है, तो आराम से सब लोग इधर घूम भी सकते हैं शाम को। क्या नाम आपका? मेरा नाम राकेश जागेटिया है, तिलक नगर आवासन मंडल का ही जी। 5 सेक्टर है, इसमें गाजर घास की और ये लाइट की, कुछ जगह लाइटें हैं और कुछ जगह नहीं है। वहाँ पर सांप वगैरह का और का काफ़ी प्रॉब्लम रहती है, और नालियों की तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। यहाँ पर नाली का तो बिल्कुल सफाई नहीं होती, रहता है तो कुछ भी नहीं करता। यह क्या समस्या है सामने? ये पार्क के लिए जो गाजर घास वगैरह है ये सब हटाई जावे। यहाँ कोई टहलने के लिए और के लिए पार्क है, तो पार्क बड़े बुजुर्ग है, बच्चे हैं तो कहाँ खेलेंगे। इतनी बड़ी बड़ी घासें हैं, इसमें जानवर इतने,